नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। वो हम हांडी में बनाएंगे। ये कोफ्ते हैं, इनको मैंने फ्राई कर लिया है, अब हांडी में हम बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया, इसके अंदर मैंने सरसों का तेल ऐड किया हुआ है एज़ यूजुअल, जैसे आप जानते ही हैं। अब जैसे ये तेल गर्म होगा तो सबसे पहले इसके अंदर मैं ये लहसुन है, एक लीफ है, ये मैंने इसको कूटा हुआ है, सबसे पहले मैं इसके अंदर ये ऐड कर रही हूँ। जैसे ही थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा उसके अंदर जो है हम प्याज ऐड कर देंगे। ये एक प्याज है, इसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, तो ये हम ऐड करेंगे। और देखिए लहसुन अब हमारा हो गया है तेल की तरह में, अब मैं ये प्याज इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और प्याज को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। हम इसको मिक्स कर देते हैं। प्याज अब हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे। नमक मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए हैं। नमक आप कम ही डालिए क्योंकि कोफ्ते जब हमने बनाए हैं तो उसमें भी नमक ऐड किया है। नमक हमने ऐड कर दिया। जीरा मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर हल्दी ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, और 1 चम्मच इसके अंदर मैं मिर्च ऐड कर रही हूँ। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। ये देखिए अब मैं इसके अंदर, ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने कद्दूकस कर लिया, वो भी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक ये मसाला रेडी नहीं हो जाता 2 से 3 मिनट तक इसको हम भूनते हैं। मसाला हमारा रेडी हो गया, ये देखिए इसको तेल भी छोड़ दिया। मैं इसके अंदर पानी है वो ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हमें पानी इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पहले कोफ्ते डाल देंगे तो पानी वो सारा कच्चा जो है वही अब्जॉर्ब कर देंगे, तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसके अंदर मैंने 2.5 ग्लास जो है वो पानी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम बॉईल होने देंगे, और उसके बाद जब ये पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा उसके बाद जो ये कोफ्ते हैं जो हमने बनाए हुए हैं उसको हम ऐड करेंगे। पानी हम जरा वेट करते हैं, पानी अच्छे से बॉईल हो जाए। अब हो चुके हैं 5 मिनट, हम चेक करते हैं कि पानी जो हमने डाला था वो उसमें बॉईल हुआ है प्रॉपरली कि नहीं हुआ है। देखिए पानी जो है अच्छे से बॉईल हो चुका है, ये मतलब तरी जो है अब इसकी रेडी हो चुकी है। अब ये जो हमारे कोफ्ते हैं वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको हम हिला लेंगे थोड़ा सा, और इसके अंदर जो है मैं गरम मसाला जो है वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच मैंने इसके अंदर गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और 5 मिनट के अंदर जो है ये हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं। आप भी इसको रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और इस तरह से एक बार कोफ्ते ज़रूर बनाइएगा। थैंक यू।